क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT News चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। शेख खान मोहम्मद, चांद सुल्ताना, शेख अब्दुल्ला, शेख अब्दुल वदूद, शेख वहीद, खलील, सलमान और उनके पूरे मकबरा हैं। वो मकबरा सब मिलकर चोरियां करते, चाकुआ रखते और गोटो पाठाना रखते, गना रखते और जो है ना लोगों को धमकाते, लोगों का घरों पे कब्जा कर लेते, मार देते उन लोगों को और झूठे केसा दलाते। मेरे भाई को बाहर लेके गया शेख खान मोहम्मद, 10 साल 4 महीने रखा, तनख्वाह नहीं दिया, बातचीत करके लिखा पढ़ाई करके घर दिला के घर के पेपर आन दिया, रजिस्ट्री नहीं कराया मिल चौक के पास में। पूछे तो जो है ना बच्चा पैसे फेर दिया बाहर आके, तो कर तो मुझे 2 साल बच्चे को पैसे नहीं दिया, नहीं देखे रजिस्ट्री करा तो मुझे पेपर आ दिया, दे के जो है सो उसके बाद में फिर लेके चले गया, रजिस्ट्री नहीं करा उसकी जोर के नाम पर था चांद सुल्ताना के। उसका हम लोग वो घर में जब से 35 साल से वो पुराना घर था कि हमको दे देके गया, उसको जरा जरा करके बनाए हम लोग। अब जैसे वो घर 4 साल को 4 साल के बाद उन्होंने आया, फिर आया तो मेरे बाबा बोले वो रजिस्ट्री करा दो, बोले तो नहीं बोला, ऐसी करते करते 10 साल गुजर गए, ना तनख्वाह दिया ना पैसे भिजाया, घर को खाली कर दिया, घर की रजिस्ट्री भी नहीं कराया। तो फिर 2000 में उन्हें आ गए, हमारे भाई को बुला लिया पुलिस के जरिए, मारपीट कर रहा उन्हें बोले नज़ीर खान को, मोहम्मद नज़ीर खान बुला लिए पुलिस के जरिए, तो आ गया उन्हें। आने के बाद पैसे पूछे तो उन्हें मंच था, इसके बेटे को बुलाया शेख अब्दुल्ला जैसा गया वहाँ क्या करा कि उसको 10 साल की सजा दे दिए, नाखूना निकाल लिए उसके, शेख अब्दुल्ला के नाखूना निकाल दिए उसको, आके हम अकेले रो पला के बोला हमारे बच्चे को उसकी जेल में डाल दिया, आपका बच्चा आ गया, मैं आया बाद में देता हूँ बोला। हमारे बाबा बोले 2004 में रजिस्ट्री करा दो, हम पैसा भी करके घर बना लेते, पेपर में रखे बोले, तो उन्हें क्या करा बोले तो पेपर हमारे बाबा को ले गया, ले जाके दारू शफा में रजिस्ट्री करा तो बोल के ले जाके चांद सुल्ताना होंगे वहाँ बिठा दे के हमारे पेपर लेकर भाग गया। हमारे बाबा गिर के दमाग की रात फट गई, लोग उठा के लेके दवाखाने में जग गए, उनका इंतकाल हो गया। उनका इंतकाल होगा और हमारे माँ के कम्प्लेन दिए तो वहाँ वहाँ तक बढ़ के कम्प्लेन नहीं होने दिया, नहीं होने देते, फिर जो है सो हमारे बच्चा हम दिए पेपर हम भी रख लेते, हमारे बच्चे को काम आते पैसा भी जाना है बोला बोल के 2008 में मेरा बच्चा आ रहा देते मरे बोल के 2008 में जो है सब कोई भी नहीं है, हमारे भाई को भी मारपीट करे पुलिस के जरिए, पुलिस वाले भी मार रहे और जैसे उसको 2008 में आ गया तो मेरा बच्चा दे बोले तो उसके बाद हमारी जगह सब कैसा डला रहा न्यू चौक से डला रहा यहाँ से और हमारे घर में बड़ी चोरी कराया, चोरी करके पूरे पेपर उसका सबूता फोटो वोटो सब देखा, किसके ऊपर शक है बोले तो इनके ऊपर शक है बोल के हम लोग दिए, शक है बोल के दिए तो क्या करे पुलिस वाले उन लोगों को खड़ा करे। उसके बाद में जब कोर्ट पे उसको गया तो उसको हटा दिया, उन लोगों को एक बच्ची को खड़ा कर दिए, वो छोटी बच्ची को जज को बोले हम लोग। अब क्या अपील करना चाहते हैं माँ वो बोलो आज, अब तो आप जो धरना करे ना आज अरे नहीं उतना नहीं बता सकते बोलो उसके बाद कैसा डाला। अब 1 साल से हमको घर खाली करो बोल रहा, वो भी ना तनख्वाह दिया ना पैसे दे रहा, हमारे को पूरा धमका रहे चांद सुल्ताना, शेख खान मोहम्मद और DGP डायरेक्टर जनरल पुलिस का थे उससे फोन करा रहा, फोनों पे धमकियां देने लगा रहा और दूसरे लोगों से देने लगा रहा धमकियां। हमारी अम्मा 80 साल के है, घर में जो है जो बच्चे है चार केसन डाले तो हम बड़ी हो गए, चारों केसन घर पे केस डाला हम लोग किराएदार बोल के वो केस भी हम ही जीत गए। अच्छा आप क्या बोलना चाह रहे हैं? अब हमारे को उन्हें हमारा पैसा देना है, लिखा हुआ है हमारे के लिए, मैं जज साहब से भी बोलूँ, चीफ मिनिस्टर से भी बोलूँ, ये चोर को पकड़ा इसके साथ बहुत बड़े बड़े लोग मिले हुए हैं, बड़े बड़े लोग मिले हुए बड़े ऑफिसर मिले हुए हैं उसके साथ, बड़े बड़े चोरियां करता कुंटों पे घर बड़े बड़े घर बना के वो करता, हम लोगों को डराता, पूरा हिमा सागर पूरा लूट लिया, पूरा हिमा सागर पे उसका कब्जा है। अब हमारे को कुछ करना नहीं है, अब यहाँ आए हम, एक इंस्पेक्टर साहब अच्छे आए, जो भी आए उनको कंप्लेन किया तो उल्टा हमारा कुछ
केस करे, अब तक मारपीट करे हमारे बताओ। कितने साल से चल रहा है केस? ये केस 10 साल से चल रहा है, 10 साल से हमारे ऊपर ही कैसा हुए। फोटो कहा है हमारे? हाँ बोलो बोलो। ये फोटो बताना जरूरी है, काफी मार मार कर हमारे भाइयों को, हम लोगों को इतना डरा कर गया। अब एक अब हमारे को 1 साल से घर खाली करो बोलते, लोगों को भी जा रहे घरों पे। अब एमएलए साहब आपको क्या करे? अंदर बैठ कर बात कर रहे इंस्पेक्टर साहब, दोनों अच्छे है, एक केस बुक करे। लेकिन वो महल में पूरे हमारे महल में उसके मकबरा है, किसी को घर बना के दिया, घर पे भाग बच्चियों को ले जाके बच्चियों को करता, गलत काम कराता। ये हमारे महल ठीक है, आपका आपका मुतालबा क्या है? मुतालबा महल में कोई गवाही नहीं दे रहे, सब उसको पैसा दिया तो वो बोलो हमारा घर हमको होना, हमारा कितना पैसा दे रहा है उन्हें, हिसाब करके देना। हमारे कहने लिखा हुआ है, अच्छा पूरे पेपर लिखे रहे है, हमारे नाम पे नहीं आना, हमारे बच्चों के नाम पे, हमारे बच्चों का हमारे को जानता धोखा है इससे, इसके बच्चों से बहुत खतरनाक बड़े बड़े काम करते हैं लोग। मुझे आज 5 बजे सुफिया बेगम साहिबा का फोन आया, इन्होंने बताया कि मैं मीर चौक के इलाके पर ठहरी हुई हूँ, मेरा इंसाफ नहीं हो रहा, कई दिनों से मैं यहाँ पे फिर रही हूँ, कोई मेरे सुनने वाले नहीं है, मेरी फरियाद सुनने वाले नहीं है। तो मैंने इनकी टेलीफोन के ऊपर मीर चौक पीएस को आया मैंने, और सदर मोहतरम को भी मैंने इत्तला दी, अकबर साहब को इत्तला दी, उन्होंने कहा कि आप फौरन वहाँ पर जाइए, जाकर उनका क्या मसला है उसको हल करिए। जब मैं आया तो उन्होंने अपनी फरियाद सुनाई, मैंने सर्कल इंस्पेक्टर से बात की, सर्कल इंस्पेक्टर ने कहा कि मैं इनका केस बुक करता हूँ, उन्होंने ऑलरेडी पहले से बुक करे हैं, तो मैं स्ट्रिक्ट एक्शन लेता हूँ, क्योंकि सर्कल ने खून दिया, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इनको इंसाफ मिलेगा, इनके साथ जो भी हुआ है इनका इंसाफ मिलेगा। और इन्होंने ये कहा कि मैं अदालत नहीं जा सकती, तो मैंने खून दिया है, इनका जो भी अदालत का खर्चा होगा, वकील का खर्चा होगा, ये होगा, यकीन मैं इनको दूंगा, और मजलूम का साथ मैं दूंगा। मोदी से इतिहाद भी यही चाहती है, हम मजलूमों का साथ देते हैं, हम इंसाफ दिलाने के लिए काम करते हैं, इंशाल्लाह इनको इंसाफ मिलेगा। पुराने छोटे किस बात से मेरे को कैसा करे, मैं गिरना लू बचपने से मेहनत करी हुई औरत को किसी तो मर्दा ने टांगा हाथा पड़ के जुड़ा जुड़ा और कालीस गाड़ी उनकी लाए, कालीस गाड़ी आई किसकी शेखर मोहम्मद की, रात के पुलिस वाले उसमें डाले गए जा रहे, पूरे लोग देख रहे रमजान है, रोजे है इफ्तार के टाइम पे। चार मीनार एमएलए जिंदाबाद, एमआईएम जिंदाबाद।